हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टीचर्स डे आने वाला है तो चलिए हम लोग अपने टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट बनाते हैं, वो भी हैंडमेड। हैंडमेड गिफ्ट तो आपको इस तरह से बनाकर देंगे तो आपके टीचर को बहुत पसंद आएगा। तो हम इस वीडियो में 3 गिफ्ट बनाएंगे टीचर्स के लिए। तो सबसे पहले गिफ्ट में हम एक वाइट पेपर लेंगे और इस तरह से उसको फोल्ड कर देंगे और आगे की एक साइड पर ये पेंसिल की निब का डिज़ाइन बनाएंगे विद हेल्प ऑफ सीजर। अब ये पेंसिल के शेप में बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए फटाफट से इसको हम सबसे पहले डिज़ाइन बनाकर इसको कलर करेंगे। तो जब तक मैं इसे कलर कर रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट टीचर का नेम लिखकर सेंड कर दीजिए और ये भी बताइएगा कि आप लोग इस टीचर्स डे अपनी टीचर्स के लिए क्या कर रहे हैं। अपनी टीचर्स के आप के लिए आप लोग थैंक्स बोलने के लिए किस तरह से आप उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या स्पेशल फील करा रहे हैं उनको, तो ये आप कॉमेंट में बताइएगा हमें। और ये अभी कलर होकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर टीचर्स के लिए एक गिफ्ट के रूप में चॉकलेट को अटैच कर देंगे। अब इसमें आप डबल साइडेड टेप भी लगाकर अटैच कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास डबल साइडेड टेप नहीं था तो मैं ये सेलो टेप से ही काम चला रही हूँ। एक पेपर पर इस तरह से हैप्पी टीचर्स डे लिख कर इसको सेलो टेप की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर देंगे हम। और हमें एक रिबन की ज़रूरत है जिसको हम ऊपर से इसके कवर करेंगे। तो मुझे एक ये पिंक कलर का रिबन मिल गया है, इसको मैं चारों तरफ से इसको कवर करके एक यहाँ पर नॉट टाई कर दूँगी और ये हमारा टीचर्स के लिए प्यारा सा गिफ्ट बनकर रेडी है। चलिए अभी हम टीचर्स के लिए दूसरा गिफ्ट बनाकर देखते हैं। तो यहाँ हम एक पेपर कलरफुल, कोई अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ ब्राउन कलर के पेपर को यूज़ कर रहे हैं। तो एक पेपर को लेंगे और हमें इस तरह से ज़िगज़ैग इसको फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर एक पेपर की स्ट्रिप से फोल्ड कर कर इसको एक बुके जैसा शेप दे देंगे हम। अभी हमें इस बुके में एक स्टेम का यूज़ करना है जो ग्रीन कलर की हो। तो फ्लावर की स्टेम के लिए हम यहाँ पर एक पेन का यूज़ करेंगे। तो पेन ये टीचर के लिए गिफ्ट भी हो जाएगा और गिफ्ट सिर्फ ऐसा सिंपल दो तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम इस तरह से कुछ यूनिक करके अगर हम बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम एक पेन को लेकर इसको ग्रीन कलर से कवर कर देंगे, ग्रीन पेपर से। और अब इसको कवर करके इसी में अटैच कर देंगे पेपर की जो स्ट्रिप लगाया था मैंने। अब मुझे एक फ्लावर चाहिए, तो फ्लावर आप अगर हाथ से बनाना चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने मगर एक शादी का पुराना कार्ड पड़ा हुआ था तो उसमें से एक फ्लावर के शेप कट करके और एक अपने हाथ से बनाकर इसको आप किसी भी तरह से फ्लावर को अटैच कर सकते हैं। मुझे जैसा सही लगा मैंने किया। तो एक यहाँ पर बिंदी लगा दिया बीच में,
यहाँ पर आप एक फ्लावर लगा दीजिए, और लीफ के लिए मैंने दो ग्रीन कलर के पेपर से लीफ का शेप कट कर लिया, और इसको भी मैं इसके स्टेम में अटैच कर दूंगी। अभी हम एक और स्क्वायर शेप का एक कोई भी कलर का पेपर लेंगे और इसको हार्ट शेप में कट कर लेंगे। ये हार्ट शेप में कट हो चुका है। अब हम इस पर बेस्ट टीचर लिखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि वो ऐसे ओपन हो सके। ओपन होकर उसके अंदर हम हैप्पी टीचर्स डे लिख देंगे। अभी ये हमारा बनकर रेडी हो गया है, तो हम इसको बुके के नीचे इस तरह से अटैच कर देंगे अपने मैसेज को। ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अभी हम थर्ड और लास्ट गिफ्ट बनाने जा रहे हैं टीचर के लिए। होप सो आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस गिफ्ट को बनाने के लिए हम वाइट क्ले को लेंगे, और आप कोई भी क्ले ले सकते हैं। मैंने सुपर क्ले का यूज़ किया है जो मार्केट में 5-5 रुपीज़ में मिल जाते हैं इजली। तो एक वाइट क्ले को हम लेकर इस तरह से राउंड शेप में कट करके साइड से निकाल कर एक रेक्टेंगल शेप देंगे, क्योंकि हम इसका बनाने वाले हैं एक की चैन। तो की चैन के लिए हमें एक यहाँ एक बुक बनानी है, तो बुक के पहले हम वाइट कलर की पेजेस बनाएंगे। ये बुक का पेजेस बन गया है, इसके साइड में हम पेजेस का शेप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ। इसको हम ऐसे ऐसे पेजेस होते हैं ना, तो इसको हम कट कर लेंगे। कट नहीं करना, बस ऐसे उसकी डिज़ाइन बनानी है पेजेस की। तो ये बन गया है। अब हमें बुक के कवर बनाने, तो कवर के लिए हम कोई भी कलर का क्ले लेंगे और उसको एक सिलेंडर शेप किसी भी बॉटल से स्प्रेड करके ऐसे जैसे रोटी बेलते हैं ना, तो उस तरह से थोड़ा बेल कर उसको फैला लेंगे। और एक्स्ट्रा जो भी है उसको हम नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। ये कवर बन गया है। अब हम इसे पेजेस में अटैच करेंगे। तो ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा कट करके और छोटा कर देंगे, ताकि वो कवर बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे पेजेस से। तो अभी ये इतना शायद ठीक होगा। हाँ, ये इतना सही है। तो इसको हम ऊपर से कवर करके, ये देखिए बुक, पूरा बुक, मिनी बुक कितनी प्यारी लग रही है ना। तो ये हमारी बुक बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन अगर आपको पसंद है तो आप वो बना सकते हैं, और जिस भी टीचर को देना है, अगर वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं तो उस पर आप उस सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं। तो अभी हम एक पेंसिल बनाएंगे, उसके लिए कोई भी कलर का आप ये क्ले ले लीजिए। उसके बाद इसको पेंसिल का शेप देना है, और इसके पीछे एक रबर अटैच करना है। तो रबर का वाइट कलर का मैंने क्ले यूज़ किया है, और एक आगे के साइड में भी एक पेंसिल की निब बनानी है। तो वाइट पहले हम उसका निब बनाएंगे, और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की निब पेंसिल की लगानी है। तो उसके लिए हम ब्लैक क्ले का यूज़ करेंगे, और ये हमारी पेंसिल रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें किचन में अटैच करने के लिए एक ये आई पिन की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास आई पिन नहीं थी, तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया है। चलिए आप लोगों से के साथ भी शेयर करेंगे वो आगे।
तो अभी हमारे पास ये बुक खाली खाली लग रही थी, तो इसके ऊपर हम हैप्पी टीचर्स डे लिख कर स्टिक कर देते हैं। तब से आप लोग अपने टीचर के उस सब्जेक्ट का भी नेम अटैच कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो देखिए, आई पिन हमारे पास नहीं है, तो इस तरह से हम अपने पुराने इयरिंग का हुक निकाल लेंगे और उसको हम इस तरह से सीधा करके आई पिन बना लेंगे। अब ये हमारी आई पिन बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम अपनी बुक में और पेंसिल में अटैच करके जंप रिंग में लगाएंगे। आई पिन लगा दिया है मैंने। अब एक जंप रिंग के साथ इसको हम कीचैन में अटैच कर दे रहे हैं, पेंसिल और बुक दोनों को। और ये हमारा तीसरा और लास्ट गिफ्ट बनकर रेडी हो गया टीचर के लिए, प्यारा सा कीचैन। इस तरह से आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। आप लोगों को इन तीनों गिफ्ट में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।